आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर तो हम लोग फिगर ऑफ़ स्पीच में नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे तो आज हम लोग ट्वेंटी क्वेश्चन हैं फिगर ऑफ स्पीच के वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के लिए पहला सवाल है द टर्म ऑफ सेंग वन थिंग एंड मीनिंग एनोदर इज तो यानी कि कहते कुछ और हैं और उसका अर्थ कुछ और है तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे कहने का मतलब यह है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरनी इसमें है सो फो द किंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एज एग्जाम्पल ऑफ तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है तो यह ट्रेजिक आयरनी का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अनस्टेबल आयर्नी तो अनस्टेबल आयरनी है वो क्या होता है आयरनी के कई पार्ट होते हैं और उसी से रिलेटेड ये ये एम सी क्यू है अनस्टेबल आयरनी किसको बोलते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और टाइप ऑफ आयरनी वेयर आर द ऑथर्स रियल मीनिंग इज अनक्लियर और एंड द रीडर फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर द ऑथर एक्सप्रेसिंग हिज रियल व्यू तो यहाँ पे क्या है कि जो लेखक कुछ कहना चाह रहा है उसका रियल, रियल मीनिंग है वो अनक्लियर होता है और जो पढ़ने वाला है रीडर है उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि जो ऑथर कहना क्या चाह रहा है उसका वास्तविक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझने में नेक्स्ट है वरवल आयरनीज तो वरवल आयरनी क्या होता है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वे आर सम वन थिंग बट रियली मीन्स समथिंग एल्स यानी कि कह कुछ और रहा है लेकिन उसका वास्तव में मीनिंग बिल्कुल कुछ अलग है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एन इनडायरेक्ट एंड यूजली मलेशियस इंप्लिकेशन इज़ नोन एज तो इन वेंडो इसको बोलते हैं इसमें क्या होता है कि बहुत ही मलेशियस वर्ड का यूज है वो किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से मलेशियस किया जाता है किसी को इनडायरेक्ट तरीके से तो वहाँ पे इन वेंडो होता है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ए टेटर्ड कोट अपॉन आटिक इज एन इंस्टांस ऑफ तो ये यह यहाँ पे पूछा है ये किस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा मेटाफर में क्या होता है कि किसी भाव या जो एक विचार होता है उसको एक नाम दे दिया जाता है उसको एज ए व्यक्ति या एज ए पर्सन उसको मान लिया जाता है तो वहाँ पर मेटाफर होता है यानी उसको एक भाव को एक भौतिक स्वरूप देने का प्रयास है वो इसमें मेटाफर में किया जाता है जैसे कि द फायर ऑफ पैशन मेड इम ब्लाइंड तो यानी जो पैशन की आग है अब पैशन कोई दिखता तो नहीं है लेकिन आग या फायर वर्ड का यूज हो रहा है पैशन के लिए मेड इम ब्लाइंड तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आई सी अ लिली ऑन द आई पेल विद एंग द फिगर ऑफ स्पीच इज तो यहाँ पे भी मेटाफर ही होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है देखिए यहाँ पे भी मेटाफर ही है क्यों मेटाफर है कि देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है विद विद तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर वर्ड है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा नेक्स्ट है ही लुक्स स्मार्ट था लाइफ वह सुंदर बहुत ही स्मार्ट दिखता है यद्यपि वह अपने लाइफ के सनसेट पर है यानी कि जीवन के अंतिम चरण में है फिर भी वह सुंदर दिखता है तो यहाँ पर भी मेटाफर है सनसेट यहाँ पे उसको लाइफ से लाइफ को सनसेट के साथ ऐड कर दिया लॉलीनेस लौ, इज यंग एम्बिस लीडर द फिगर ऑफ स्पीच तो यहाँ पे भी मेटाफर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है सेल आई कंपेयर कंपेयर कम्पेयर दी अर्ट समरीज डे समर्स डे तो ये शेक्सपियर की लाइन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज हेयर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफर नेक्स्ट मेटाफर विच हैज़ बीन यूजड सो लॉन्ग एंड हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन टू द एक्सटेंट दैट वी हैव सीज्ड टू बी अवेयर ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द वहीकल्स एंड द टेनर दिस टाइप ऑफ मेटाफर इज तो ये डेड मेटाफर का एग्जांपल है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एन एक्सटेंडेड मेटाफर विच इज़ ऑल्सो नॉन एज अ कंसीट और सस्टेन मेटाफर रेफर्स टू तो यानी कि जो एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसको कंसीट या सस्टेन मेटाफर भी बोला जाता है उसका मतलब क्या होता है तो सिक्सटी फोर में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है द ऑथर्स एक्सप्लेटेशन ऑफ अ सिंगल मेटाफर और एनालॉजी एट लेंथ थ्रू मल्टीपल लेग्ड टेनर्स व्हीकल्स एंड ग्राउंड थ्रू आउट अ पोएम अ स्टोरी तो यहाँ पे सिंगल मेटाफर का थ्रू आउट अ स्टोरी या पोएम में प्रयोग होता है तो उसको बोला जाता है सस्टेन्ड मेटाफर या कंसीट मेटाफर नेक्स्ट है यू मे एड्रेस द चेयर द फिगर ऑफ स्पीच इज तो ये होता है मिटोनमी मिटोनमी क्या होता है कि जैसे कि चेयर चेयर से जैसे कि कोई पद है उस पद से कनेक्ट कर देना किसी चीज़ को जैसे कि के, किंग के लिए वर्ड यूज हो जाता है क्राउन तो जैसे राष्ट्रपति के लिए यूज़ कर देना कहीं पे प्रेसिडेंट चेयर जैसे कि चेयर हाई हाई हिज हाईनेस तो इस तरीके से जो वर्ड यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे मिटोनमी होता है फ्रॉम द करडल टू द ग्रेव द फिगर ऑफ स्पीच इज तो यहाँ पे भी मिटोनमी होगा क्रेडल टू द ग्रेव तो क्रेडल यानी कि बचपन से मृत्यु तक क्रेडल यहाँ पे बचपन के लिए यानी चाइल्ड हुड को दिखा रहा है और ग्रेव यहाँ पे दिखा रहा है डेथ को तो बचपन से मृत्यु तक क्रेडल टू ग्रेव तो यहाँ पे मिटोनमी है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल अरेबिया ब्रीज फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ तो ये भी मिटोनमी का एग्जाम्पल है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है डस्ट बी इक्वल मेड विद दुअर क्रॉक्ड साइथी एंड स्पेड इन दिस लाइज आर फिगर ऑफ स्पीच तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिटोनमी साइथी मीन्स होता है हाथिया स्पेड मीन्स होता है कुदाल तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्री में लैंड मी योर ईयर्स ईयर्स फॉर द कंसेप्ट ऑफ अटेंसन विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज हेयर तो यहाँ पे मिटोनमी हो जाएगा अब यहाँ पे जो देखिए फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्री में लैंड मी योर ईयर्स यानी कि फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री में सभी लोग अपने कान मेरी मुझे दें यानी कि कान यहाँ देने का मतलब कान ले लेना नहीं अटेंशन का मतलब है यहाँ पर यानी कि ध्यान अपना इधर दे तो यहाँ पे ध्यान का मतलब है इसीलिए ईयर्स यूज हुए किस लिए ध्यान के लिए अब ध्यान कोई चीज़ दिखती नहीं है लेकिन उसको भौतिक रूप यानी ईयर्स के रूप में दे देना ईयर्स तो दिखते हैं ना इनको हम छू सकते हैं लेकिन अटेंशन को हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते लेकिन जो भाव है या कोई अदृश्य है आ, जो एक चीज़ है उसको आप भौतिक स्वरूप दे देना तो वही मिटोनमी होता है नेक्स्ट है इट इज द यूज़ ऑफ वर्ड्स इट इट्स प्रोनासी इमिटेट्स द साउंड द वेरी वर्ड डिस्क्राइब इट डिस्क्राइब इट इज तो ये क्या होता है ये होता है ओनोमोटोपोई यानी कि जहाँ पर ध्वनि किसी भी चीज़ की ध्वनि या कोई वस्तु हो सकता है व्यक्ति हो सकता है कोई भी चीज़ होती है उसी की उसकी ध्वनि को डेस्क्राइब करता है वहाँ पे ओनो मोटो ही ये फिगर ऑफ स्पीच होता है नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच विज कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट देंस बाई द साउंड इज तो देखिए वही है बस लैंग्वेज चेंज करके अगला सवाल बना दिया है ये भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑनोमोटोपोइक तो कौन सा वर्ड है यहाँ पे ऑनोमोटोपोइक यानी ध्वनि सूचक शब्द इनमें से कौन सा है ट्रम्बलिंग ग्लोरियस चार्मिंग नहीं इनमें से कोई नहीं लेकिन मर्मरिंग है मर्मरिंग यानी बड़बड़ाना नेक्स्ट है चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज तो देखिए यहाँ पे ओनो हो जाएगा क्योंकि एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग ब्रिमिंग रिवर तो यानी कि नदी की आवाज चैटर चैटर यहाँ पे दो बार आवाज आवाज की बात हो रही है साउंड की बात हो रही है नेक्स्ट है कैनन टू राइट ऑफ देम कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम कैनन इन फ्रंट ऑफ देम वॉलेड एंड थंडर्स हे आर द फिगर ऑफ स्पीच इज तो यहाँ पर भी ओनोमोटोपोई है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टूगैदर इज तो देखिए जहाँ पर दो अपोजिट आइडियाओं को एक साथ रख दिया जाता है वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है तो ये होता है ऑक्सीमोरोन ऑप्शन ए जिसको बोलते हिंदी में विरोधाभाष नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन मर्डरियस मर्डरियस एंड innocence. तो देखिए इनोसेंस और मर्डरियस दोनों शब्द हैं एक साथ यूज हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्जीमोरोन नेक्स्ट है डार्कनेस विजिबल अब देखिए एक तो अंधेरा भी है और विजिबल भी है यानी कि अंधेरा विजिबल है तो दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं तो इसलिए ऑक्जीमोरोन हो जाएगा नेक्स्ट है स्वीटेस्ट सॉन्ग आर आर द टेल ऑफ सैडेस्ट यानी कि सैडेस्ट भी है और स्वीटेस्ट भी है दोनों एक साथ है तो हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है वेन द लाइफ लेस ऑब्जेक्ट एंड एबस्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग द फिगर ऑफ स्पीच इज तो पर्सोनिफिकेशन होता है यानी कि ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट है और उसको ऐसे लिविंग वीक के रूप में दिखा देना तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं मानवीकरण नेक्स्ट है स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर सम्रॉप्स वेप्ट एट कम्प्लीटिंग द मॉटल sin Melton's पैराडाइज लॉस्ट बुक नाइन में ये बात है तो विथ फिगर ऑफ स्पीच यूज हेयर तो यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन टी तो चलिए आज इतने ही रखते हैं आज हमने थर्टी क्वेश्चन है वो डिस्कस किए बाकी के हम कल करेंगे और आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें जल्दी फिगर ऑफ़ स्पीच भी इस बुक से ख़त्म हो जाएंगे एस के अरोड़ा सीरीज़ को अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बाकी रंजीत सिंह जल्दी स्टार्ट करेंगे और आज शाम से विलियम शेक्सपियर स्टार्ट हो जाएगा चलिए धन्यवाद